बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। जी तो आज मैं आपके बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि है कैरी की चटनी की। और ये बहुत मज़े की रेसिपी है, बड़ी ज़बरदस्त खट्टी मीठी कैरी की चटनी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपने इसको बनाना है मेरे स्टाइल से और इंशाल्लाह बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी जो है वो झटपट बनाकर हम लोग आपको दिखाएंगे। और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सबसे पहले हमने ले ली है जी कैरी, जो कि मेरे पास है 1 किलो के करीब। और आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश करके जो है इसको पील ऑफ कर लेना है, इसके छिलके जो हैं वो सारे उतार लेने हैं अच्छी तरह। आप नाइफ़ की मदद से भी उतार सकते हैं, इस तरह का कटर है आपके पास, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जी तो इसी तरह सारे जो हैं कैरी के छिलके मैंने उतार लिए हैं, और ये लास्ट वाली रह गई है, इसको भी हम पील ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको आगे चल के बताती हूँ आपने क्या करना है। और इसको आपने थोड़ी देर के लिए जो है वो भिगो के रख देना है, इसकी सारी जो डस्ट है वो उतर जाएगी और फिर आप इसको छील लीजिएगा। और ये ऐसी मज़ेदार जो है वो खट्टी मीठी चटनी बनके रेडी होती है, इसको आप खाने के साथ जो है खाएं बहुत मज़ा आता है। और हमने इसके छिलके जो हैं जी उतार लिए हैं, और अब इसके मैं कर लेती हूँ पीसेस। और इस तरह आपने सेंटर में से 2 पीस करके पहले इसकी गुठली जो है वो निकाल लेनी है। इसकी गुठली बहुत ही सॉफ्ट होती है, ईजीली निकल आती है। ये देखें इस तरीके से आपने जो है इसके 2 पीसेस करने हैं, और उसके बाद आपने इसमें से गुठली जो है वो रिमूव कर देनी है इस तरह। और उसके बाद जो है आपने करने हैं जी इसके स्लाइसेस। और ये मैंने सारी जो है गुठलियाँ निकाल ली हैं, अब इनको अच्छे तरीके से जो है हम इनके बारीक से जो है वो स्लाइसेस कर लेते हैं। और ये झटपट जो है वो चटनी बनके तैयार हो जाती है, बहुत मज़ेदार लगती है, और खाने के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं, बड़ा मज़ा आता है ये खाने में। और बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है। इस तरह आपने जो है इसको कट कर लेना है, और आपने किसी भी स्लाइसेस में किसी भी शेप में आप इसको काट सकते हैं। और अब मैं इसमें जो है वो 1/2 कप के करीब चीनी शामिल कर दूंगी। चीनी आप चाहें तो बारीक भी पीस कर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से कर दी है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी जी चीनी जो है मैंने इसमें 1/2 कप शामिल की है। आप चाहें तो ज़्यादा भी, जो मीठा शौक से खाते हैं आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैंने इसमें 1 चुटकी जो है वो कलवंजी की शामिल की है, और आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये डालने से इसके कलर की खूबसूरती जो है बढ़ जाती है माशाल्लाह, और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे मैंने 1 काला नमक जो है वो 1/2 टीस्पून लिया है, और मैंने इसमें वाइट पेपर जो है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। और अब मैं इसमें काली मिर्च का जो है पाउडर शामिल करूंगी, वो भी मैं इसमें 1/2 टीस्पून ही शामिल करूंगी। आप चाहें तो जितनी आपकी कैरी की क्वांटिटी जो है बढ़ाएंगे, उस हिसाब से आप इसमें ड्राई मसाला जो है वो भी बढ़ा सकते हैं, चीनी की क्वांटिटी भी ज़्यादा कर सकते हैं, कम मीठा या ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं वो ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स जो है वो शामिल कर दिए हैं, वो भी मैंने इसमें 1/2 टीस्पून लिया है। अब आपने कर लेना है जी इसको अच्छे तरीके से मिक्स, और इसको हम रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए साइड पे, ताकि जो है कैरी का और चीनी का पानी जो है वो अलग हो जाए, और बड़ा ज़बरदस्त सा जो है कैरी हमारी और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। और इस तरह आपने इसको मिक्स करना है, और ढकने के बाद आपने इसको रख देना है। और अब मैं एक पैन ले लेती हूँ, उसमें मैं जी शामिल करती हूँ बिल्कुल 2 से 3 खाने के चम्मच जो हैं वो ऑयल के। आपने बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें शामिल नहीं करना, बहुत कम ऑयल में ये बनती है, सिर्फ इसको हमने शाइनिंग के लिए जो है इसमें तेल शामिल किया जाता है। और जैसे ही हमारा ऑयल जो है थोड़ा सा हीटअप होता है, हम इसमें ज़ीरा थोड़ा सा जो है 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें वो शामिल कर दूंगी। इन चंद मसालों का जो इसमें जायका आता है बहुत ज़बरदस्त आता है, और इन्हीं से ये चटनी जो है मज़े की बनती है, लाजवाब जो खट्टी मीठी चटनी कैरी की आप बड़े बड़े होटलों में जाके खाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं, इस तरह बनती है। आप घर में बनाएं और इंजॉय करें पूरी फैमिली के साथ। और इस तरह हम इसको थोड़ा सा ज़ीरे को सोटे कर लेते हैं, और साथ ही मैं इसमें जो है कैरी का जो मिक्सचर मैंने बना के रखा है मैं इसमें वो शामिल कर दूंगी। और आप देखिएगा कि कैरी किस तरह से जो है मिनटों में झटपट बनके तैयार होती है। ये देखें, इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट जो है वो छोड़ दिया था इसका जो मसाला लगाकर, और अब मैं इसको जो है बनाऊंगी, और ये 5 से 6 मिनट में हमारी चटनी बनके रेडी हो जाएगी, बड़ी मज़ेदार, बड़ी ज़बरदस्त और खट्टी मीठी कैरी की चटनी। और ये देखें, इस तरह आपने इसमें चम्मच हिला लेना है, और इसको आपने इतना बनाना है कि कैरी जो है वो हमारी गल जाए।
ये ऐसी मज़े की चटनी है, आप इसको खाने के साथ इंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आप इसको वैसे भी कुछ ना भी बना हो, ये चटनी वैसे भी बहुत मज़े की बनती है, बहुत लाजवाब इसका टेस्ट होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे स्टाइल से, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ जैसे आपको मेरी बाकी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं वैसे ही आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। और ये देखें यहाँ पे इसका चीनी का और कैरी का पानी जो है वो निकल आया है, और अब हमने इसको करना है जी खुश्क, और वहीं पे हमारी जो चटनी है वो रेडी हो जाएगी। ये देखें इस तरह ये पानी है चीनी का और कैरी का, और कैरी हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है बहुत ज़्यादा। अभी इसको हमने थोड़ा सा और गला लेना है, और इस तरह आपने इसमें चम्मच जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है ताकि ये ज़बरदस्ती जो है वो पक जाए और इसका जायका जो है वो ज़बरदस्त मसालों में ऐड हो जाए। और ये देखें जी हमारे जो कैरी है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। अब आपने इसको थोड़ा सा फ्लेम हाई करना है और इसको आपने बना लेना है, और ये चम्मच की मदद से मैं इसको थोड़ा सा जो है वो दबा लेती हूँ, इस तरह इसको मैश कर लेती हूँ। आप ना भी करें तो ये फ़ौरन से जो है वो गल जाएगी। और ये देखें इसका ये पानी जो है थोड़ा सा इसका गाढ़ा सा हो गया है, और हमने इसको और ज़्यादा खुश्क करना है इतना कि इसका कैरी का जो चीनी का पानी है खुश्क हो जाए। और ये बड़ी मज़े की रेसिपी जो है बनके तैयार होती है, और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह किया करें। और यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बरवक्त पहुंच सके। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के ज़रिए हमें आगाह करते रहा करें, हमारी हौसला अफजाई करते रहा करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ जो है वो कैसी लगती हैं। हम हर रेसिपी आपके लिए बहुत मेहनत से बनाते हैं, वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें। और ये देखें जी यहाँ पर हमारी कैरी की जो चटनी है वो अपनी फाइनल लुक पे आ चुकी है। इसको हमने इस तरह चम्मच से थोड़ा सा मैश कर लेना है। इसके छोटे छोटे चंक्स जो है मुंह में आते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं, बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। आप चाहें तो बिल्कुल ही ब्लेंड इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल जो है वो ब्लेंड नहीं करूँगी, मैं इसको चम्मच की मदद से ही जो है वो थोड़ा सा दबा लूँगी। और इस तरह ये देखें जी हमारी चटनी जो है ज़बरदस्त सी शानदार सी मज़ेदार सी खट्टी मीठी कैरी की चटनी जो है वो रेडी हो गई है। ये देखें इस तरह से आपने इसकी इतनी जो है वो रखनी है ताकि ये खाने में जो है मज़ा आए, और बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना जी। तो देखें माशाल्लाह हमारी कैरी की चटनी जो है वो रेडी हो गई है। देखें लुक इसकी कितनी ज़बरदस्त लग रही है, देखने में ये जितनी ज़बरदस्त लग रही है खाने में ये उतनी ही मज़ेदार थी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपने फीडबैक से मुझे आगाह करना है। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आज की प्यारी सी बात मैं ये शामिल करना चाहूँगी कि अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में हमें भी याद किया करें और अपनी दुआओं में हमें भी शामिल रखा करें, और वीडियो को स्किप के बगैर देखा करें। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। बाकी रेसिपीज़ की तरह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।